ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं MPSC मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब मैं आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MPSC बोलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, इसके अंदर मेडिकल ऑफिसर की निकाली गई है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MO भी बोल देते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1065 है, यानी कि इसके अंदर कुल 1065 पद निकाले गए हैं। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के अंदर होगी। कैटेगरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 21 फरवरी दोपहर 12 बजे से, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 5 मार्च 2019 दोपहर 12 बजे तक, यानी कि 21 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2019 दोपहर 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू, यानी कि आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.mppsc.nic.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपको इस भर्ती एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास मेडिकल डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन जाननी है तो आप इस वीडियो को देखते रहे, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से इसकी जानकारी बताने वाला हूँ। एज लिमिट, दोस्तों मिनिमम एज लिमिट 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल रखी गई है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में है वो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन, यानी कि आयु सीमा में किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है, इसके लिए आपको मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अंदर एज रिलैक्सेशन के बारे में कोई जानकारी दी गई है वो तो मैं आपको बता देने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट में। एप्लीकेशन फी, यानी कि आवेदन करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। तो दोस्तों, इसमें आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹500 एप्लीकेशन फीस देनी होगी। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जो लोग रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद जो लोग रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन लोगों का ही इंटरव्यू लिया जाएगा। पे स्केल, यानी कि सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस पोस्ट पर नियुक्त हो जाने के बाद आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 15,600 से लेकर 39,100 रुपये पर मंथ दी जाएगी, और साथ ही आपको 5,400 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। वैकेंसी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके लिए 1065 पद निकाले गए हैं। दोस्तों, मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी दे देता हूँ। उसके पहले एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर लेते हैं। इसमें आवेदन शुरुआत होने की तिथि 21 फरवरी दोपहर 12 बजे तक से है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक। तो इसका मतलब यह होता है कि आपको 5 मार्च 2012 बजे से पहले इसमें आवेदन करना होगा। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसको रीड करना है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं और साथ ही साथ आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें आवेदन 21 फरवरी से शुरू होगा, तो आपका जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो 21 फरवरी दोपहर 12 बजे के बाद ही एक्टिवेट होगा। तो आप ये मत बोलिए कि अभी अप्लाई ऑनलाइन लिंक काम नहीं कर रहा। तो चलिए अब मैं आपको इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इस वीडियो के अंदर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पर दी गई है और आयोग कार्यालय में अभिलेख सहित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2019 दी गई है। और यहाँ पर मध्य लोक सेवा आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी के बैकलॉग पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो MBBS या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता, यानी कि मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपको अगर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जाननी है, तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपके पास MBBS या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य योग्यता है
या फिर समतुल्य अर्हता भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी, यानी कि अगर आपने किसी अन्य विदेश यानी कि अन्य देश से अपनी MBBS की है तो आप तब इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। वांछनीय अर्हता मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन, यानी कि जो मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब यहाँ पर देख सकते हो आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ आप इसमें सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल बताता हूँ, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद निकाले गए। आप जैसा कि जान सकते हो कि पोस्ट का नाम हिंदी में चिकित्सा अधिकारी बोलते हैं मेडिकल ऑफिसर को। यहाँ पर कुल पद 1065 है। अनुसूचित जाति के लिए 97 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 564 पद है, और इस जाति के लिए PVA के लिए गैर क्रीमिलियर के लिए 404 पद निकाले गए। अनुसूचित जाति के लिए 32 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 186 पद है, और ये रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला हेतु आरक्षित पद जो कि आरक्षित किया गया है जैसा कि ऊपर आप देख चुके होंगे, और इसके लिए 133 पद निकाले गए। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की कुल मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पद यानी कि जो दिव्यांग है उनके लिए 105 पद आरक्षित किए गए हैं। इनको PWD वाले कैंडिडेट्स बोलते हो, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। और यहां पर कुछ इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, ये भी आपको रीड कर लेने हैं। पद का विवरण मैं आपको यहाँ पर एक बार अच्छे से बता देता हूँ। चिकित्सा अधिकारी विभाग का नाम लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन, श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। पद स्थिति चिकित्सा अधिकारी अस्थायी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो अभी भर्ती है आप लोग पूछ रहे हो कि ये भर्ती परमानेंट है या परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो मैं आपको बता दूँ ये जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि ये अस्थायी है यानी कि टेम्परेरी है। अब परमानेंट होने की संभावना है लेकिन अभी तक ये टेम्परेरी है। वेतनमान यहाँ पर दिया गया जो कि मैं आपको बता भी चुका। पद के मुख्य कर्तव्य मरीजों की देखभाल एवं उपचार, यानी कि आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि सर मेडिकल ऑफिसर को काम क्या करना होगा, तो यहां पर बताया गया कि मरीजों की देखभाल एवं उपचार आपको करना होगा। और यहां पर शैक्षणिक अर्हता भी आपको यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और अच्छे से जानकारी दी गई है, तो आप इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई मेन जानकारी दे चुका हूँ। और दोस्तों अगर इसके बारे में आपको कोई और सवाल पूछना हो या अगर आपको जो मैंने जानकारी दी है इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है या आपको और अच्छे से जानना है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ ले, क्योंकि जो आप मुझे सवाल पूछना चाहते हैं उनके उन सवालों के जवाब आपको इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको कोई डिटेल समझ में नहीं आती है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे।